मायसेल्फ राजू की हलगे प्रोजेक्ट मैनेजर BHT टेक्नोलॉजीज। आज हमने हमारे ऑफिस में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है आर्डिनो के ऊपर। ये वर्कशॉप का नाम है आर्डिनो 121। तो यहाँ पे आज हमारा मोटिव है कि गुलबर्गा में नया टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस देना है। तो उसी मोटिव से यहाँ पे हमने फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है इन आवर कंपनी एज वेल हमारे ऑफिस में, राइट। तो आप देख सकते हैं आज अराउंड वी गॉट मोर देन 60+ रजिस्ट्रेशन। तो उसमें से हम लोग लिस्ट आउट करके अराउंड 25 पीपल को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमारा इरादा है कि फ्यूचर में और बच्चों को सिखाना है। नॉट ओनली दैट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और डिप्लोमा स्टूडेंट्स, वी आर प्लानिंग टू लाइक ट्रेनिंग फॉर डिग्री स्टूडेंट्स एज वेल एज ओल्ड एज पीपल। बच्चों को सिखाना है, 7th, 8th, 9th स्टूडेंट्स को भी आर्डिनो क्या है और उसका टेक्नोलॉजी क्या है। मार्केट में जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है लाइक IoT, रास्पबेरी पाई, रोबोटिक्स, AI टेक्नोलॉजी, सब टेक्नोलॉजी को गुलबर्ग में ला के बच्चों को इंक्लूड करना है। तो अभी क्या है, बेंगलोर या मेट्रो सिटीज में बच्चे बहुत फास्ट हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ इतना टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस नहीं। हमारा मोटिव है कि स्पेशली BHT टेक्नोलॉजी गुलबर्गा आने का मोटिव है कि यहाँ पे बच्चों को टेक्निकल स्किल्स डेवलप करना है। तो उसी इरादे से आज हमने फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है। इन फ्यूचर डेज वी आर प्लानिंग टू टाई अप विद कॉलेजेस एज वेल एज स्कूल्स। तो जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है इन मार्केट, वी वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन एज वेल एज ओल्ड एज पीपल, लाइक जो भी इंटरेस्ट बंदा है तो उनको हमारा सीखने का इरादा। थैंक यू। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾತೇಶ್ ಅಂತ, ನಾನು ಅಪ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ BHT ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಗದ. ಸೊ ಇವರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು, ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ಡಿನೋ ಆಯಿತು. ಸೊ ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಆರ್ಡಿನೋ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆರ್ಡಿನೋ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಆರ್ಡಿನೋ ಕೋಡನ್ನು ಬರೀಬೇಕಂತ. ಸೊ ನಾನು ಸೆಲ್ಫಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಸೊ ಆ ಥರ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಔರ್ ಯಾ ಪರ್ ಫುಲ್ ಡೇ ಬಹುತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಕಿಯಾ ವಿತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. और यहाँ पर हमारे को भी प्रैक्टिकल बताया कि कैसे प्रोसेस होता है, कैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना, कैसे कोडिंग करना, सब वगैरह बोले. और मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ इस टेक्नोलॉजी के, इस इंस्टीट्यूट का. थैंक यू सो मच. ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಲ್ಬೇಕಂತ.